नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। आज हम बात करेंगे पानीपत से आए एक ऐसे केस की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल पानीपत पुलिस को तीन लाशें मिली, तीन लाशें जिनका पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस हैरान रह गई जब पता ये चला कि इन तीनों लोगों की मौत 8 घंटे के भीतर भीतर की हुई है। 8 घंटे के भीतर इन तीनों को मौत के घाट उतारा गया। एक का गला घोटकर मारा गया, दूसरे को नहर में फेंक दिया गया और तीसरे की लाश पानीपत से मिली है। ये घटना पानीपत ग्रामीण से जुड़ती नजर आती है। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पता ये चला कि तीनों मरने वाले युवक आपस में एक दूसरे को ना केवल जानते थे बल्कि बहुत गहरे दोस्त भी हुआ करते थे और इनका एक चौथा दोस्त भी था आशु, जो गायब है। पुलिस ने आशु को ढूंढा, उससे पूछताछ की गई और हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ। 8 घंटे में कर दिए 3 कत्ल। कत्ल की वजह रही मामूली, दोस्त ही निकला कातिल। पुलिस की गिरफ्त में आया ये दुबला पतला सा दिखने वाला युवक पानीपत के गांव का रहने वाला है और इसने कभी कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन इसने पहला ही गुनाह किया, वो भी एक हत्या का। और हत्या के केस की जांच में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया था। इससे पूछताछ की तो पता चला कि इसने पहला ही गुनाह एक हत्या नहीं बल्कि एक हत्या को छिपाने के लिए तीन तीन हत्याएं करती है। दरअसल पानीपत में एक के बाद एक तीन कत्ल के केस सामने आए। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ये किसी सीरियल किलर का काम होगा, लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि 8 घंटे के भीतर 3 कत्ल किए गए थे। तो वही एक हत्या की जांच के दौरान शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया। आरोपी से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। पहली वारदात उसने 11 जून की रात को अंजाम दी। वो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा था। 2 दोस्त वहाँ से चले गए, उसका एक दोस्त उसके पास मौजूद रहा जिससे उसकी कहा सुनी हो गई। कहा सुनी के दौरान उसने अपने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और सोनू के शव को सड़क पर फेंकाया। उसके बाद उसका दूसरा दोस्त उसके पास आया और उसने सोनू के बारे में पूछा। आशु डर गया और उसे लगा कि कहीं उसके दोस्त पुलिस के सामने मुंह ना खोल दे और बता ना दे कि आखिरी बार सोनू को उसी के साथ देखा गया था। उसने एक के बाद एक अपने दोनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद शवों को अलग अलग जगह फेंकाया। एक शव को जहां उसने सड़क के किनारे फेंका, दूसरे को नहर में फेंका और तीसरे को पानीपत शहर में फेंकाया। पुलिस केवल एक हत्या के केस को सुलझा रखी थी तो तीर अंधेरे में जा लगा और सुलझ गए 3 हत्या के केस। दरअसल पुलिस ने सख्ती से पूछा तो आशु ने सब कुछ उगल दिया। ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आशु नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने 3 मर्डर किए, हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है और 3 मर्डर का खुलासा किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, वजह क्या थी मर्डर करने की? मर्डर करने की कोई, वैसे तो शराब पी रहे थे, शराब पीकर कहा सुनी होगी, छोटी मोटी होगी उनकी शराब न पीने की वजह से, तो उसी बात को लेकर उन्होंने पहले सोनू नाम के व्यक्ति को मार दिया और उसके खोखे के पीछे मतलब ही डाल दिया था। और बाद में पता लगा भाई शायद मोनू को भी पता, उन्होंने देख लिया है इनका मर्डर करते हुए, तो उनको डर था ताकि ये बता ना दे, तो उन्होंने पहले नहर के पास ससन नाका के पास उसको भी गला दबाकर पड़ने से उसकी डेड बॉडी जो है नहर में डाल दी। और एक तीसरा जो साथी था इसका राकेश, उसको हरिद्वार ले जाने के बहाने उसको साथ ले गया और तितावली के थाना क्षेत्र में वहाँ भी उसको शराब शुरू पिलाकर बेहोश करके और उससे ही पड़ने से इसको गला दबाकर मारकर उसका भी डेड बॉडी वहीं डाल दी थी पानी में। डाल दी मरने वाले भी तीनों दोस्त थे और मारने वाले भी दोस्त थे। हाँ, ये तीनों दो तीन एक ही गांव के थे और एक अलग ये बालसी गांव से था। भले ही आरोपी आशु ने बड़े ही पेशवराना अंदाज में कत्ल कर दिया हो, लेकिन वो कोई पेशेवर कातिल या अपराधी नहीं था। पुलिस ने जरा सी सख्ती बरती तो उसने ना केवल अपना गुनाह कबूल लिया बल्कि पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस जहां केस को सुलझाने पर अपनी पीठ थपथपा रखी है तो वहीं वो परिवार भी दंग है जिनके लाल अपने ही दोस्त के हाथों जान गवा बैठे। पुलिस ने इस केस में 27 जून को आरोपी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। तो वहीं हत्या की एक जांच ने 3 ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा दिया। प्रदीप रेडू, पानीपत, खबरें अभी तक।
तो 11 जून को इन हत्याओं को किया गया था। एक दोस्त ने अपने 3 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। एक दोस्त से कहा सुनी हुई, उसे मार दिया। बाकी 2 दोस्तों को इसलिए मार दिया गया कि कहीं वो किसी के सामने जाकर बता ना दें कि मृतक आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। पुलिस मामले में जांच कर रखी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इस एक घटना के बाद लोग सत्ते में आ गए हैं कि आखिर गांव का भोला भाला दिखने वाला आशु इतना बड़ा कातिल कैसे निकला, कैसे उसने अपने 3 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।